राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीवाजी यूनिवर्सिटी में। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? मुझे लगभग 6 महीने हो गए, फरवरी से मैं सुन रहा हूँ। तो जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया है, क्रोध शांत हुआ है और मन शांत हुआ है, एकाग्रता बढ़ी है और एक आध्यात्मिक अनुशासन विकसित हुआ है और हमको एक जीवन जीने की एक कला का ज्ञान हुआ है। महाराज जी के वचनों से हमको बहुत लाभ हुआ है, मन शांत रहता है, अंदर से बहुत अच्छा लगता है, प्रेम में रहता है, आनंद में। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज आया? बहुत चेंज आया। सुबेरे जल्दी उठना, राधा रानी का नाम, मतलब जागते बराबर ही सबसे पहले राधा रानी का नाम आ जाता है एकदम से। टाइम पे पूजा पाठ करना और अपने नित्य कर्म निपटाते हुए राधा रानी का भजन स्मरण करना, अपने आचरणों को और ज़्यादा परिमार्जित और परिशुद्ध करना और फिर अपने कर्तव्य कर्म करते रहना और सोने से पहले फिर एक बार राधा रानी का भजन करना। मन में यही भाव आता है कि हमको अपने जीवन में प्रेम को सबसे पहले स्थान देना चाहिए और जीवन में चूंकि मानव जीवन मिला है, संघर्ष तो रहेगा, तो बात बात छोटी छोटी बातों पर परेशान होने की बजाय उसको प्रेम से जीता जाए और आचरण अच्छा रखा जाए, मानव की सेवा की जाए। जी जी। और यही मैं समझता हूँ शायद एक सामान्य इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होगी और भगवान का स्मरण कभी नहीं छूटना चाहिए, बस ये। तो महाराज जी की आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी, जिस वजह से आप फर्स्ट टाइम जब महाराज जी का सत्संग सुने, जिस वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा ज़्यादा आपका प्रबल होना चाहिए, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल होगी तो आप नकारात्मक शक्ति को हरा पाएंगे। तो मुझे लगता है शायद हमें अपने आध्यात्मिक शक्ति को और विकसित करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े, नकारात्मकता को जीतते हुए। जी जी। ये तो अभी आप शायद फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे? मैं यहाँ पे वृंदावन धाम तीसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा। और महाराज जी के दर्शनार्थ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है, जैसे कि जानते हैं कि महाराज जी आने वाले? बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से एक शांति है, एक प्रेम की भावना है और एक उत्साह भी है, अच्छा लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? काशी से। तो काशी से वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए? जी। तो महाराज जी का सत्संग का लाभ आप लोग कब से ले रहे हैं? हम तो यूट्यूब को काफ़ी देखते थे, उसमें महाराज जी पहले हम सदगुरु जी को फॉलो करते थे, उनकी कृपा हुई तो महाराज जी तक हम पहुँचे। इसके बाद मन में कई सवाल होते थे, कई समस्याएँ होती थी जिसका जवाब अंदर ही अंदर ढूंढते थे पर मिल नहीं पाता था। महाराज जी का सत्संग सुनने से मन को काफ़ी शांति मिली और कई नई सवाल भी पैदा हुए और एक अलग सी चीज़ जो महसूस हुई इन 4 महीनों में कि वृंदावन की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव हुआ। लगभग पिछले 30 दिन से प्रयास करने के बाद अब ये मौका मिला और हम यहाँ आ पाए। उम्मीद करते हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो महाराज जी में ऐसा आपने क्या दिखा जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? हर चीज़ की अंतिम क्लैरिटी, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, जिसके बाद बात ख़त्म हो जाती है, आप विचार नहीं कर सकते उसके आगे, वो अंतिम सत्य महाराज जी हमें पहुंचा देते हैं वहां तक, इसके बाद सवाल खत्म हो जाते हैं। तो महाराज जी के क्या क्या बातें आपको सबसे एकदम पॉजिटिव लगी? जो भी चीज़ें जीवन में होती हैं वो आपके कर्म के अनुसार ही हैं, उनको अगर आप हंसते खेलते स्वीकार कर लेंगे तो उससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। हर वक्त किसी दूसरे को दोषी ठहराना ये उचित नहीं है जीवन में, तो सबसे पहले खुद को देखिए, खुद को सुधारिए, ये सबसे बड़ी सीख है। तो अभी महाराज से जुड़कर आपको कैसी आनंद की अनुभूति? बहुत अद्भुत। जीवन में और भी कई समस्याएं हैं जिनका सारा जवाब अंदर ही अंदर, आंखें बंद करो उनके बारे में सोचो तो मिलने लगता है। जी।
राधे राधे जी। कहाँ से आए? हम हरदा से आए, हरदा जिले से, मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल से 150-200 किलोमीटर दूर है। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? महाराज जी का सत्संग सुनते हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से या उनके वचनों से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। महाराज जी की वाणी से बहुत प्रभावित करती है, उनने हमारे जीवन में सुधार करने के लिए बहुत, मतलब जो उनकी वाणी के माध्यम से हमारे जीवन में इतना सुधार आया जिसका हम बता नहीं सकते हैं, जिसका हम गुणगान नहीं कर सकते। महाराज जी ने जो बोला कि राधा नाम जपना चाहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उसका लगातार जाप कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से देखो आप, माला जी हाथ में आ गई है साथ में, नहीं तो अपन इतने धार्मिक आदमी नहीं थे भैया। धार्मिकता बढ़ी है, आस्तिकता बढ़ी है महाराज जी की कृपा से, यही जीवन में सुधार और मोक्ष की ओर ले जाती है इंसान को। तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, आपको देखने से पता चल रहा है कि आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, आपकी आंखें बता रहे। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी के सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या मिला जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी के सत्संग भी है, मैं रात को 1.5 से 2 बजे तक सुनता रहता हूँ। मेरे मोबाइल में रील्स में सिर्फ लगातार उनकी वीडियोज आते रहते हैं, उनके जो 4-5 जो पेजेस हैं उन्हीं को, उन्हीं के लगातार रील्स आती रहती हैं, और सारी रील्स आने बंद हो गई मेरे मोबाइल में। महाराज जी के समझ लो कम से कम 1.5 से 2 घंटे मैं रोज़ रील्स में और रोज़ उनके भजन और उनके रोज सत्संग सुनता हूँ। महाराज जी खुद भी कहते हैं कि भैया यदि रोज़ सत्संग आएंगे तो सत्संग से लोग रोज़ ब्रेन वॉश होता है, इंसान का हृदय वॉश होता है। उनकी सारी वाणियाँ मेरे को बहुत प्रभावित करती हैं, जीवन में बहुत परिवर्तन करती हैं। तो अभी महाराज से जुड़ कर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज रात को 2:30 बजे इतने लोग आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। तो महाराज किस भाव से देखते हैं आप महाराज? महाराज जी ने हमारे जीवन में बहुत सुधार करा है, उनको धन्यवाद अर्पित करने आए इससे। अब क्या दें, संत महात्मा है, उनकी वीडियो में उन्होंने बोला कि भाई हम तो वैरागी आदमी है, ना तो हम कुछ लेंगे ना हम कुछ देंगे, हमारा तुम्हारा संबंध देन लेन और आदान प्रदान करने की चीज़ों का नहीं है। भाई तुम हमारी वाणी सुन के तुम्हारे जीवन में सुधार करो, यही हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाई यहाँ पे कोई वो ताबीज और जंतर नहीं बट रहे हैं, महाराज जी खुद भी कहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई ताबीज नहीं बांध रहा हूँ किसी के गले में भी, है यहाँ पे कोई प्रसाद नहीं बट रहा अभी। आप आओ, आप हमारी बातें मानो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, यही हम चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते। राधे 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 श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे श्री हरिवंश। कहाँ से आए? अम्बाला से, हरियाणा से। आप? बरेली यूपी से आए हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? 3 से 4 महीने हो गए। तो 3 से 4 महीने आपके जीवन में से क्या बदलाव आया जिसकी वजह से महाराज श्री के दर्शन करने के लिए रात में यहाँ पे रुके? देखिए जी, ऐसा है, जब से श्री गुरुदेव भगवान को देखा है, जब से उनकी बातें सुनी, उनकी वाणी सुनी है, जब से मतलब कि ऐसा हो गया कि भाई अब जैसे कि मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरे को होता था कि जैसे कि जो भी तामसिक भोजन करते हैं, अंडा मीट खाते हैं, ये ठीक होता है जो शरीर की जरूरत है। पर अब जब से गुरु भगवान को सुना, गुरुदेव भगवान को सुना, जब से लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये चीज़ें बिल्कुल आपके शरीर खराब कर रही हैं, आपकी आत्मा खराब कर रही हैं। आपको अगर सत्य मार्ग के चलना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ो, राधा नाम, राधा राधा जपो और गुरु कृपा से सब कुछ हासिल हो जाएगा। आपके जीवन में से क्या परिवर्तन? सर हमारे जीवन में ये परिवर्तन आया कि हमने जो है जो दृष्टि से जो गलत काम होते थे वो बंद हो गए हैं, मन से जो गलत काम होते थे वो बंद हो गए हैं, तामसी भोजन बंद हो गया है, और जैसे कि कोई गलत काम होता तो अंदर से ये प्रेरणा आती है कि ये गलत काम है इसको मत करो, और दूसरों के प्रति जो दया भाव है वो स्टार्ट हो गया है। तो महाराज जी क्या कहते हैं आपको सबसे प्रिय लगते हैं? सबसे प्रिय तो ये लगते हैं कि सबसे पहले दया भाव होना चाहिए सबके लिए, हर इंसान में हमारी श्री जी हैं, उनमें हर एक इंसान से किसी नफरत नहीं करनी। और एक और बदलाव मेरे जीवन में आया है कि मैं पहले गुस्सा बहुत करता था, पर अब जब से कल से परसों से मैं यहाँ हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, कभी भी कुछ भी गुस्सा नहीं आया, जो मर्जी जैसे मर्जी धक्के लग के दर्शन कर रहे हैं पर कभी भी गुस्सा नहीं आता। अब गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो गया, मैं कहूँगा कि 99% तो मेरा गुस्सा कम हो गया बिल्कुल, बस आगे ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में लगा रहा हूँ और ऐसे अपनी नैया पार लगानी है बस। तो महाराज जी में क्या आपको दिखे, महाराज जी के सत्संग में आपको क्या मिला जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए?
जैसे कि उनकी वाणी, उनकी बातें, उनकी बस जब आम इंसान को भी समझ आ जाती है वो बातें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में जी। बाबा जी जो समझाते हैं मतलब एकदम अंदर तक उतर जाती है बातें। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं किसी की बात मानता हूँ, पहले पहली बार बाबा जी की बात सुनी और बाबा जी की बात मानी। मैं खुद हैरान हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी यही है, वो भी मतलब वो खुद हैरान है कि भाई आपने ये सब कुछ छोड़ दिया। तो मुझे तो बहुत कृपा है भगवान की, श्री जी की बहुत कृपा है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। राधे, बहुत अच्छा भी लगता है। जय श्री राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मुंबई से आया हूँ मैं। आप? सिंगरौली मध्य प्रदेश। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए आपको कितना समय हो गया? मुझे 6-7 महीने हो गए महाराज जी का रोज सत्संग जो अपलोड होता है, रोज ही दिन में रोज देखता हूँ मैं, सुनता हूँ। आपको? मुझे भी 5-6 महीने हो गए। तो 5-6 महीने में कुछ जो बदलाव आया जीवन में? काफी आया महाराज जी के सत्संग सुन के। हमारे घर में सभी सुनते हैं महाराज जी के सत्संग, जब भी आते हैं या नहीं भी आते हैं, हम लोग यूट्यूब पे बराबर डेली का देखते हैं। जी जी। तो जीवन में आपके लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आया? मेरे तो बहुत आया, पहले जैसे कि मुझे तो पता ही नहीं था नाम जप ऐसा कुछ होता है। तो जब महाराज जी से मालूम पड़ा कि नाम जप करना चाहिए डेली, पाप वाप कम होते हैं। तो नॉनवेज तो मैं वैसे भी नहीं खाता था, सिर्फ नाम जप फिर करने लगा, और नॉनवेज जो सब दारू वारू तो वैसे भी नहीं पीता था, तो वो एक अच्छा रहा। और नाम जप कंटिन्यूस चालू हो गया कि मालूम तो पड़ गया एटलीस्ट होता क्या है, करना कैसे, भक्ति में आगे कैसे बढ़ते। बस उन्हीं की कृपा से आज यहाँ सत्संग में बैठने का मौका मिल गया आज। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसके वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? उनका जो बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल से बोले कुछ, मतलब भेदभाव नहीं किसी से, एकदम दिल से बात निकलती है। ऐसा कुछ मतलब मन में कठोरतापन या किसी को लेकर भेदभाव, एकदम जो बोलते हैं सच है, ऐसा किसी को लेके कुछ पका रहे या झूठ बोला ऐसा कुछ नहीं लगता, बहुत सत्य वचन लगता है। और सीधा उनकी बातें एक्चुअली उनके जो तेज है वो सब सीधा दिल को छू जाती है, उनके जो लगता है साक्षात भगवान ही बोल रहे हैं। ऊपर से उनका जो रूप है जटाधारी वो सब तो और अच्छा लगता है देख के, लगता है साक्षात भगवान ही है। आप महाराज से क्यों जुड़ना चाहते? महाराज जी की आवाज़ जो है उनके अंदर जो तेज दिखता है, पता नहीं क्यों महाराज जी के लिए ही अंदर से आवाज आएगी महाराज जी के पास चलना चाहिए, इनके दीक्षा लेने चाहिए महाराज जी से। तो आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? आज बस महाराज जी से मिलने के लिए 2 दिन से हम लगे हुए थे, कल जाके टोकन मिल पाया महाराज जी का सत्संग में बैठने का। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे ही राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आया? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद कहलाता था। जी। आप? मैं झांसी उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? मैं जनवरी से सुन रहा हूँ। आपको? 3 महीने से सुन रहा हूँ। 3 महीने से? तो 3 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन है? नाम चालू हुआ है, जो गलत व्यवहार थे उस पर मतलब रुकाव आने लग गया, डर लगने लगा, रोज भगवान को हिसाब देना पड़ रहा है कि महाराज जैसा कहते हैं कि आपका रोज का मतलब क्या गलत काम क्या अच्छे काम कर रहे हैं, ये बदलाव आया, नाम चलने लग गया। और लगाव ऐसा लगा, मतलब लगन ऐसे लग गए कि महाराज के दर्शन के लिए आ गए। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का दर्शन किया या महाराज जी का सत्संग सुना, तो कैसे फिर महाराज जी से जुड़े आप? महाराज साक्षात अमृतवाणी सरस्वती विराजमान है महाराज जी के मुख में,
सत्य वचन, कठोर दिनचर्या है महाराज जी की, ऐसी दिनचर्या कहीं देखने को मिलती है। और एक बात ज़्यादा प्रभावित करती है कि सबको समान ये रखते, कोई VIP नहीं, कोई साधारण आदमी नहीं। इतनी प्रभावित होते कि आज पूरी दुनिया में ऐसा सत्संग नहीं देखी जहाँ सबको समान रखते महाराज जी, एक ही भाव, प्रभु का भाव कहीं देखने को नहीं मिलता जो महाराज के दरबार में मिलता है। ये बात ज़्यादा प्रभावित करती है। नाम तो है ही, नाम चालू हो गया मुख से, कभी अगर भूल भी जाते हैं तो तुरंत याद, भूल जा रहे अपन नाम, रुक जा रहा है, चालू करो, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि हर सांस के साथ ना राधा राधा नाम चलना चाहिए। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया? जी, पूरा जीवन ही बदल गया है जी। पहले ऐसा होता था कि कई चीज़ों में मन भटकता था, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ क्या मिलेगा, जगह जगह खोजना। पर जब से महाराज जी मिले हैं तो एक ही दिशा में, कहीं और नहीं जाना है, बस केवल महाराज जी को देखते रहना है, सत्संग सुनना है और राधा नाम का जाप करना है। तो जिससे स्थिरता बनती है, पढ़ाई में भी मन लगता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में। जैसे कुछ कभी मन है तो इधर उधर भागता है जी। तो जैसे किसी इंद्रियां हैं, कभी तामसिक, कभी सात्विक, कभी राजसिक, तो यहाँ वहाँ गया तो अंदर से एक आवाज़ आती है, नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मुझे करनी नहीं है जी। तो इतना प्रभाव महाराज जी का है, ये केवल कृपा है उनकी जी। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो फिर कैसे आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे? ऐसा महाराज जी के सत्संग में आपको क्या मिला? मैंने महाराज जी का सत्संग पहली बार ब्रह्मचर्य पे जो वीडियो है महाराज जी का, वह संक्रांति में 14 जनवरी को देखा था जी। तब से ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी वाणी का, उनका स्वरूप देख के तो पूरा जीवन ही हिल गया एकदम, कि ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। तो फिर तब से मैं रेगुलर महाराज जी को ही सुन रहा हूँ जी। जी, तो आप अभी 7 महीने हो गए हैं जी। तो 7 महीने में अगर देखा जाए कि आपका जो पूर्व का जीवन है और अभी का जीवन, तो दोनों में से कितना चेंजेस आ गया? पूरा ही चेंज हो गया है। लोग देखते हैं, बोलते हैं क्या हो गया है। अच्छा। मैंने जो हो गया वो श्री जी की कृपा है, महाराज जी की कृपा है जी। यही असली जीवन है जी। बाकी तो सब भटका हुआ है, क्या ही बोलूं जी। तो जैसे कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और लगभग पढ़ाई तो करते होंगे बहुत सारे घंटे, तो महाराज जी के सत्संग से आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ती है? जी, पढ़ाई में रुचि, एकाग्रता बनती है जी। जो जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले, तो अन्य तरह का भोजन ले लेना, कुछ भी खा लेना जी, और फिर जो है फोकस नहीं बन पाता है जी। अभी क्या है, केवल राधा नाम, अपना दिनचर्या में 1 घंटा राधा नाम और बाकी समय पढ़ाई को, तो एकाग्रता है और थोड़ा बहुत सत्संग, और कुछ करना ही नहीं है जी। केवल महाराज जी और वो जो लक्ष्य है पूरा करना है बस। तो आज फिर कैसे आना हुआ यहाँ पर? मैं कल आया था, कल महाराज जी का पहली बार मैंने दर्शन किया जी। तो आज फिर सत्संग के लिए भी जाना है जी। तो जब जब आप महाराज जी को देखते, उनका सत्संग सुनते, तो मन में क्या भाव होता है? मन में भाव तो देखो इतना ये होता हो जाता है कि मतलब ऐसी कहीं ऐसे छोड़ना ही नहीं, प्रवचन जब चालू हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि ख़त्म ही ना हो, बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और एक बात खास है कि हर सवाल का जवाब मिल जाता है महाराज के प्रवचन में। और महाराज जी एक बहुत बढ़िया बात करते हैं कि हर दिन झाड़ू लगना चाहिए, हर दिन प्रवचन सुनते। पहले हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते थे न्यूज़ सुनने में, इसके व्यस्त टाइम व्यस्त करते थे, अभी महाराज का सत्संग सुनते सुनते ही फिर हर सवाल के मन में जो क्वेश्चन रहते थे उसमें जवाब मिल जा रहा है। और ऐसा लगता है ये कैसा हुआ, मैंने कल ये सवाल सोचा मन में कि मेरा ये सवाल आ रहा है, आज वही प्रवचन सुनने को मिल रहा है, तो ऐसी एक लगन लग गई। ये कैसे लगे, बस महाराज जी से तो यही विनंती है कि भाई ऐसी लगन राधा रानी के साथ लगे, प्रभु के साथ लग जाए तो बस जीवन सफल हो जाए। राधे राधे, राधे। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। राधे राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से। आप? छत्तीसगढ़। क्या करते हैं आप? मैं जनप्रतिनिधि हूँ और दुकान भी है मेरा। आप क्या करते हैं? बिजनेस है। तो महाराज जी का सत्संग का लाभ आप कब से ले रहे हैं? महाराज जी का सत्संग का लाभ लेते हुए 1 साल 2 महीने हो गए। अच्छा।
तो एक साल में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया? महाराज जी को जब फर्स्ट टाइम सुना था तब महाराज जी की जो ओजस्वी वाणी है, जो उसने ऐसा मन को अट्रैक्ट किया, जैसे कि पूरा दिन मस्तिष्क पटल पर छाए रहते सुबह से लेकर शाम तक, महाराज जी एक सत्संग दूसरा, यूट्यूब पे पुराने से पुराने निकाल के सुनो, फिर वो धीरे धीरे वो ऐसे जीवन के अंदर आता गया कि और विषयों के बारे में सोचना कम हो गया, जैसे महाराज जी अपने नाम जप के ऊपर, उसके अलावा अन्य आश्रय न लेना, जो महाराज जी के सत्संग है मन के इंद्रियों के ऊपर जो बोले वो सत्संग है, उनका अलग से वॉच लिस्ट बना के उन्हीं को सुनना, जैसे महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनो उसके बाद मनन करो, उस चीज का बड़ा प्रभाव रहने लगा, चित्त शांत रहने लगा, वृंदावन खींचने लगा बार बार, रज का सेवन करने से, रज लगाने से, अभूतपूर्व मतलब वो वाणी से बयान करने वाला जो नहीं है वो एक्सपीरियंस है, मतलब बोल रहा हूँ तो बोलते हुए भी उनकी कृपा इतनी लगती है कि जैसे पल पल खींचती है, हर टाइम खींचती है। आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया है जिसकी वजह से आप यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए? मेरे को महाराज जी के, मैं उनसे ज़्यादा परिचित नहीं था, मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लगभग 2-3 महीना पहले उनसे, उनके बारे में मेरी जानकारी हुई और मैं नित्य उसमें प्रवचन सुनते रहता हूँ, तो जो नाम जप और जो गुरुदेव जो बताते हैं जो बातें, उनसे मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया कि मैं शराब भी पीता था और सिगरेट भी पीता था, दोनों मेरा अभी कम से कम इनके कहने से और छूट गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी आज से 600 साल पहले जो कबीरदास जी जो बात बोला करते थे खड़ी खड़ी बोली जी, वो बात आज गुरुदेव बोलते हैं, मेरे बोलने में भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे इनकी दिव्य कृपा है और हम तो अधम है ना समझ है, उनकी कृपा हुई तब यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उनके दर्शन हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से आप महाराज जी इतना आकर्षित हुए? महाराज जी कभी कोई प्रलोभन नहीं देते हैं, वो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान के पास जाओ ऐसा करो वैसा करो, कोई नियम नहीं बताते हैं। महाराज जी यही कहते हैं कि आप अपने आप को सुधारो फिर आपका कल्याण हो जाएगा, ये हमको प्रभावित किया ये बात। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे कि आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आया हो पहले से? खैर दिनचर्या तो मेरा ऐसा है कि सुबह उठ के पूजा पाठ करता ही हूँ, उसमें फिर राधा नाम और जुड़ गया है। जी, तो आप राधा नाम का जप करने की प्रयास करते हैं? जी हाँ प्रयास करते हैं जितना हो सके। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि आपके जीवन में पहले से बहुत परिवर्तन आया, तो अभी महाराज जी से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? महाराज जी से आनंद की अनुभूति, देखो ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष गुरुदेव भगवान, अब उनसे जुड़ने का मतलब है कि एक कतरा भी समुद्र का अगर आपके बुद्ध मस्तिष्क पटल पे जाता है तो वो उतना असर रहता है उनका, और उसके बाद हर थोड़े दिन बाद आके गुरुदेव के दर्शन करना, पूरा दिन सत्संग सुनना, तो बुद्धि जो का जो अंतःकरण मलिन होता है उसकी मलिनता धीरे 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 साफ होती गई और जो अच्छा लगने लगा ये सब कुछ, इसी में अब जो है ना रम जाने का मन करने लगा। तो ये पहले अगर गुरुदेव भगवान जीवन में ना आए होते तो मुझे लग ही ना पाता, मैं उन्हीं विषयों में फंसा रहता, उसी प्रपंच में फंसा रहता, तो ये चीज़ जो है ये गुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद इन चीज़ों में तो अभूतपूर्व परिवर्तन आया। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी लाइफ में भी इतना परिवर्तन आया, तो आज महाराज श्री के दर्शन करने के लिए कैसे आना हुआ? मेरा तो अचानक 2 दिन पहले प्लान बना यहाँ आने के लिए और उनकी कृपा हुई, हम तो सामर्थ्यवान नहीं है कि हम कहीं जा सके यहाँ सके, उनकी कृपा हुई तब यहाँ आना हुआ। और हम आपको बता रहे हैं, हम कल से ट्रेन में बैठे थे शाम को और आज 9 बजे यहाँ ट्रेन रुकी और हम सीधा नहा के यहाँ आए, आराम भी नहीं किए, इनकी इतना ललक है उनसे मिलने का। जैसे कि आप इतने दूर से यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए, अभी महाराज जी आने वाले, तो कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है? वो तो उनके दर्शन होते ही धन्य हो जाएंगे।